हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये आपका 12th क्लास का टॉपिक है, ये आपका सबसे महंगा चैप्टर है। इसका मैंने टाइटल दिया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट से क्या करें, प्रेम करें। ओके, ये मैंने इसका टॉपिक ये इसका मैंने थंबनेल में ये लिखा हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रेम करें, ठीक है ना। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। आज मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको 15 दिन बाद पूछूँगा, 15 डेज़ बाद। हमारा टारगेट है कब तक, हमारा टारगेट है 5 जून तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देना, जो कि सबसे मुश्किल चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का सबसे मुश्किल चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और हमारा टारगेट है 5 जून। आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि मैं आपको अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा अभी 5 जून को, ठीक है ना, कि आपको पी ब्लॉक एलिमेंट से प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट ये क्वेश्चन का आंसर आज मैं सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से प्रेम हुआ आपको 5 तारीख को पूछूंगा मैं ऐसे सवाल, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, फर्स्ट चीज़ ये हो गई, तभी मैंने इसका ये दिया हुआ है थंबनेल में, मैंने तभी इसका ये लिखा हुआ है कि आपको इस चैप्टर से प्रेम करना है, ठीक है ना। तो ये आपको 5 जून तक आई थिंक ये प्रेम हो ही जाएगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है, बट आपके लिए मैंने सबसे ईजी बना देना ये, ठीक है ना। अभी कोशिश करेंगे, अगर हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है ना। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे, सिंसियरली जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों को मानोगे, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाना है। और इनमें मैं एनसीईआरटीस को फोकस करूँगा, ठीक है ना। एनसीईआरटीस का कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो नीट की प्रेपरेशन भी आपकी इस चैप्टर से हो जाएगी और जेके बोस की भी प्रेपरेशन हो जाएगी। 8 नंबर आपको मिलने हैं, ठीक है ना। 8 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। 8 नंबर इस चैप्टर से मिलने हैं, 8 नंबर बहुत ज़्यादा, सबसे महंगा चैप्टर। बाकी 6, 5, 4 ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं, 4, 5, 3। और ये पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इस चैप्टर का हमारा मोटिव क्या है, सॉरी इस वीडियो का हमारा मोटिव क्या है, इस वीडियो का हमारा मोटिव है कि इस चैप्टर को आपको क्यों पढ़ना है, वाई वाई आपका क्लियर होना चाहिए। क्यों पढ़ना है भाई, किसी भी चीज़ को आप क्यों पढ़ते हो, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, ठीक है ना, ये वाली चीज़। सेकंड इस वीडियो का हमारा मोटिव है कि सिलेबस डिस्कस करना, ठीक है ना, सिलेबस डिस्कस करना। देन जो थर्ड आपका जो इस वीडियो का मोटिव है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि क्या सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले आपके 3 क्या हैं, टारगेट्स हैं इस वीडियो के। तो सबसे कोई भी चैप्टर बेटा आज के बाद आपको पढ़ना हो ना, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, वाई इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है और उससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देन आप अगर चैप्टर की बिगनिंग करोगे इसके बाद, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चैप्टर की बिगनिंग कर पाओगे। तो ये वाली चीज़ है, ये हमारा क्या हो गया, टारगेट। हम हर एक वीडियो में क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट सेट करते हैं, फिर मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, कि फिर मैं आपको बोलता हूँ कि ये टारगेट हमारा सेट हो गया। जब हमें अपना टारगेट पता होता है तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आपको अगर पता होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर पाओगे। बट अगर आपको अपना टारगेट नहीं पता होगा, देन आप लोग मेहनत नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मैं हर एक वीडियो का आपको टारगेट बता देता हूँ, ठीक है ना। लास्ट में मैं सवाल पूछूँगा कि आपका टारगेट ये है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, लाइव चैट चल रही है, ठीक है ना, लाइव चैट चल रही है नीचे, उधर रिप्लाई करिए कि टारगेट क्लियर हुआ, ठीक है ना, रिप्लाई करिए यस नो यस नो, टारगेट क्लियर हुआ कि आपका इस वीडियो का टारगेट क्या है, सभी करिए टाइप। ओके, तो वाई इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है, सबको क्लियर हुआ तो रिप्लाई करिए यस नो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, स्टार्ट ये जो मैं जैसे जैसे बताऊंगा ना, ये वाली चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ये किसके चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहले मैं बताता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी ट्वेल्थ क्लास की है, ट्वेल्थ क्लास की, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये वाले आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सभी जो मैंने बोला था रफ नोटबुक पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ, फेयर पे ही कर दीजिए, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं है इसका, फेयर पे ही कर दीजिए नोट, ये वाली चीज़ मतलब बाद में कर देना फेयर में, अभी पहले जो मैं लेक्चर बताता हूँ तो वो चीज़ आपको रफ में ही नोट करनी होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देन क्या हो गया बी ब्लॉक, देन क्या हो गया थर्ड, क्या हो गया डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक है, और फोर्थ क्या हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है 3 नंबर का, ठीक है, और जो पी ब्लॉक है वो है 8 नंबर का, और डी और एफ ब्लॉक है ये है 5 नंबर का, और कोऑर्डिनेशन है 3 नंबर का। टोटल कितने मार्क्स हुए, 3 और 5, 3 और 8 11, 11 और 5 16 और 3 19। इनऑर्गेनिक आपको 12वीं की कितने नंबर दिलाएगी, 19 नंबर। तो ये चीज़ लिख लीजिए कि हाँ भाई अगर आपको इधर से कितने नंबर मिलने हैं, 19 मार्क्स। ट्वेल्थ क्लास की ये वाले चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई 2 मंथ तक इसका टारगेट रखो, ठीक है ना। 2 मंथ के बाद आपको 19 नंबर 12वीं के मिल जाने हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो 19 मार्क्स है टोटल, ये वाली चीज़ आपने नोट कर ली। तो ये वाली चीज़ अगर नोट कर ली तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ओके प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हमने क्या चीज़ समझनी है अभी, कि सबसे पहले मैं बताता हूँ कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो। मैंने आपको बोला था कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के बारे में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ते हो। एलिमेंट्स की मैंने डेफिनेशन आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, वो क्या बताई थी, मैंने बताई थी वो क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है ना। ये मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूँ कि बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेस। और एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी, इट इज़ द, वो आप बोलिए चैट बॉक्स पर लिखिए कि मैंने क्या वो एक और डेफिनेशन बताई थी, एक मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए, लिखिए लिखिए, जो बंदे देख रहे हैं उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मिनट दे रहा हूँ मैं, तो चलो मैं भी बता देता हूँ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको ही आप क्या बोलते हो, एलिमेंट, ठीक है ना, या फिर क्या बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो मैंने आपको बता दिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो, कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को। तो भाई मैंने पीरियोडिक टेबल आपको पूरा समझा दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए भाई ये रहा पीरियोडिक टेबल आपका, पीरियोडिक टेबल ये रहा ना आपका, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये वाला खाना जो है एस ब्लॉक, ये क्या है पी ब्लॉक, ये क्या है डी ब्लॉक, और ये क्या है एफ ब्लॉक, नीचे वाला ये है एस और ये है पी और ये है डी और ये है एफ ब्लॉक। तो ये बात समझ आई, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक और ये है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। इतनी चीज़ समझ आ गई ना, इतनी चीज़ समझ आ गई। देन मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना, ये वाली चीज़ थी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को पढ़ा ना, देखिए ये वाले कौन से एस ब्लॉक और ये कौन से पी ब्लॉक। तो आपने 11th में क्या पढ़ा, ग्रुप 1 एंड 2, और अभी 12th में और 11th में पी ब्लॉक से क्या पढ़ा था, ग्रुप 13 एंड द ग्रुप 14। तो अभी कहानी कहाँ पे आ गई, ग्रुप 15 16 17 18, इन एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अभी देखिए 11th क्लास में,
इलेवेंथ क्लास में मेरे को एक चीज़ बताइए कि इन एलिमेंट्स के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपने क्या क्या पढ़ी थी मैं खुद बता देता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। सबसे पहले इनकी क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। देन क्या पढ़ा था, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। देन क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन क्या पढ़ा था एक आपने, अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर देखा था ना आपने किसका, इधर लिथियम का देखा था, इधर बेरिलियम का देखा था, एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अनोमलस बिहेवियर। और लास्ट में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, जो इन चैप्टर्स के क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इतनी चीज़ पढ़ी थी ना, ये बात समझ आ गई क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, अनोमलस बिहेवियर और क्या, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। जैसे मैं इधर एग्जांपल देता हूँ, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सभी में पढ़ी थी, मैंने भी करवाई हुई है, ठीक है ना, एस ब्लॉक की, ये सारी के सारे आप लोगों ने पढ़ी हुई है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने देखी थी इनकी, इन सभी की, ठीक है ना। देन आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो रिएक्शंस किसके साथ करते हैं, फिजिकली मीन्स वो फिजिकली दिखते कैसे, जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, फिजिकल स्टेट क्या होगी। देखिए मैं सारी चीज़ें आपको थोड़ी डिटेल में बताऊंगा जब हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इलेवंथ में क्या पढ़ा था, ठीक है ना। ऐसी ही सिमिलर चीज़ें आप लोगों ने इधर पढ़ी थी। और फिर सॉरी एक और चीज़ बता देता हूँ, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे आपने सोडियम NaCl के बारे में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हो, सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। और आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था, और सोडियम एंड पोटेशियम पंप पढ़ा था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनके बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना लास्ट में। ये क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम लास्ट में पढ़ते हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए नमक रोज़ खाते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉश करते हो, देखो डेली का यूज़ है, क्यूक लाइम वगैरह, लाइमस्टोन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो। सोडियम पोटेशियम पम्प, ये आपकी बॉडी में चल रहा है, ठीक है ना। सेल तो अगर ये नहीं होगा तो आपके सिग्नल्स काम नहीं करेंगे, आपको दिमाग में आपको सिग्नल्स नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये वाली चीज़ है। तो ऐसी ही चीज़ आप लोगों ने इधर पढ़ी थी। जैसे आपने इधर क्या पढ़ा, फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, देन क्या देखा आपने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन आपने अनोमलस बिहेवियर देखा था किसका, बेरिलियम सॉरी बोरॉन का, देन कार्बन का, इनका थोड़ा अनोमलस अलग सा बिहेवियर था, ठीक है ना। देन आप लोगों ने क्या पढ़ा, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स इधर क्या क्या थे, जैसे आपने बोरॉन के कंपाउंड्स पढ़े, बोरॉन के कौन से, एक तो बोरेक्स पढ़ा था, बोरिक एसिड पढ़ा था, बोरिक एसिड पढ़ा था, बोरॉन हाइड्राइड पढ़ा था। देखिए भाई दोबारा से कमेंट बॉक्स पे लाइव चैट पे रिप्लाई करिए कि आपने पढ़ी थी ये चीज़ें कि नहीं पढ़ी थी, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आप लोगों ने क्या अभी पेपर देना है, ठीक है ना। तो लाइव चैट पे बताइए कि पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, रिप्लाई करिए, सभी करिए रिप्लाई, ठीक है ना। तो हाँ जी ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, ठीक है ना, पढ़ी हैं तो ये है। और उसके बाद एल्यूमिनियम के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ा था, एल्यूमिनियम के प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस वगैरह पढ़े थे, ठीक है ना। देन आपने कार्बन पढ़ा था, कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े थे, सारी चीज़ें, बाकी वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फल्ट्रीन, ठीक है ना, C60, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना, पढ़ी थी। देन CO2 के बारे में पता नहीं पढ़ा थी कि नहीं पढ़ते, आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। देन आप लोग नीचे गए, ठीक है ना, सिलिकॉन के बारे में आपने पढ़ा था, सिलिकॉन के कंपाउंड्स आपने पढ़े थे, कौन से, सिलिकॉन्स पढ़े थे, सिलिकेट्स पढ़े थे, देन आपने जियोलाइट्स पढ़े थे, वाली चीज़ें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी,
ये वाली चीज़ें आप लोगों ने सभी ने पढ़ी थी, ठीक है ना। अब बात आ जाती है जो क्या इधर की कहानी है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 जो आपके कहानी है अभी, ठीक है ना, ग्रुप 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। इधर भी आपने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फोर्थ क्या कोई अनोमलस बिहेवियर होगा किसी एक एलिमेंट का, जो सबसे ऊपर वाला होता है ना उसका अनोमलस बिहेवियर होता है, वो वाली चीज़ पढ़नी है, देन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग पढ़ते हो, बस सेम चीज़ यही पढ़नी होती है भाई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए। मैंने बोला था ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही क्या हो भाई, यही तो चीज़ें पढ़ते हो कि हाँ भाई इसके पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चाहिए, और अनोमल बिहेवियर होगा किसी का उसका पता चाहिए, और देन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। चलिए एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये दोबारा मैंने रिपीटेडली ये चीज़ बता रहा हूँ कि बिकॉज इधर दो ही क्यों हैं, इधर छः ही ग्रुप्स क्यों हैं, जैसे इधर एक दो ग्रुप, इधर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही क्यों है, इधर 10 ही क्यों है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर 14 क्यों है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर 14 क्यों है, ऐसा क्यों है बेटा, इसका क्या रीज़न है। देखिए क्या है भाई, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल जो होता है, एक मैंने क्या बोला था, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, एस सब शेल में, एस सब शेल, देखिए सबसे पहले क्या होता है, बाहर होता है ऑर्बिट, जैसे इधर अंदर न्यूक्लियस होता है ना, पहले आप 10वीं तक पढ़ते थे कि बाहर क्या होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी जब आप बड़े बच्चे हो चुके हो तो अभी आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, ऑर्बिटल में होता है। ऑर्बिटल क्या चीज़ है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ों के न्यूक्लियस होता है और बाहर उसके क्या होता है, ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या होता है, सब शेल, सब शेल में क्या होता है, सब शेल में क्या होता है, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखिए जो आपका एस सब शेल है, ये मैंने उस वीडियो को, जो जिस बंदे को ये पता नहीं लगे तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैंने पहले ही ये चीज़ आपको बता दिया कि जिस बंदे को अच्छे से पढ़ना है तो वो स्टार्टिंग से ये प्लेलिस्ट देखिए, जो 12वीं क्लास की जेके बोस की मैंने लिखा हुआ है, क्लास 12th केमिस्ट्री जेके बोस की प्लेलिस्ट, ये बेटा स्टार्टिंग से देखिए तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, एस सब शेल में क्या हो गया, एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, एस ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो, एक दो, तो बस भाई इसलिए दो खाने, एक खाना और दो खाना। आप इलेक्ट्रॉन बढ़ते हो ना, देखिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे, तो ये वाली चीज़ होगी। अभी देखिए पी जो सब शेल है, पी सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं तीन, तीन ऑर्बिटल होते हैं, और आपको बताया एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो, तो तीन में कितने हो जाएंगे, छः, तब भी भाई छः ग्रुप हैं, एक दो छः इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी है, देखिए भाई इधर कॉन्फ़िगरेशन ही लिखते हो आप, इधर जैसे बोरॉन की आ गई क्या, इधर क्या थी लिथियम की क्या थी 2s1, लिथियम बेरिलियम की क्या थी 2s2, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा रहे हो ना, तो बस इधर भी वही कहानी है भाई, इधर क्या 2p1, कार्बन में क्या हो जाएगा p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा, इधर के ऑक्सीजन में क्या 2p4 हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तभी भाई, और उसकी कहानी है ये। तो देन देखिए जो डी सब शेल होता है उसमें ऑर्बिटल होते हैं पाँच, पांच ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, तो पांच में कितने हो जाएंगे 10, तो इसलिए 10 खाने। ऐसे ही एफ, एफ सब शेल है, एफ सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं 7, 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई 2, और 7 में कितने हो जाएंगे 14, इसलिए भाई 4, 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई जो पी सब शेल है आपका उसमें ऑर्बिटल हैं 3, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और तीन में कितने हो गए 6 हो गए। ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, सॉरी मेरे को माफ़ करिए जिनको ये चीज़ें आ जाती हैं, बट सभी के बारे में सोचना है, ठीक है ना, तभी तो वो होगा, तभी तो हो पाएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो बस अभी हम बात करते हैं कि आपको ग्रुप, इसको ग्रुप 15, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, ग्रुप 15
अभी जो आपके 12th क्लास में है, ग्रुप 13, 14 पढ़ लिया, ग्रुप 15, 16, 17, 18, इन एलिमेंट्स को क्यों पढ़ना है, ठीक है ना, इसकी इस वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्यों पढ़ना है। तो इसकी मैं फिर आपको ये सबसे पहला हमारा टॉपिक यही था ना कि हाँ भाई क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा अभी। तो अभी देखिए क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप 15, ग्रुप 15, ठीक है ना भाई, एलिमेंट्स के नाम लिखे चैट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे जल्द से जल्द एलिमेंट्स के नाम लिखे। ग्रुप 15 में क्या क्या होते हैं आपके पास है, 15 गिनूंगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। लिखा होगा तो सही है, नहीं लिखा होगा तो क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। ग्रुप 15 में क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ग्रुप 15 में क्या हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सनिक, एंटीमनी और बिस्मत। भाई कॉन्फिगरेशन आप लोगों ने सभी ने लिख ली होगी। तो अभी देखिए आपको पहले इमेजिन करो भाई, सिर्फ अभी एक चीज़ सिर्फ अभी सिर्फ माइंड में सोचो भाई, नाइट्रोजन के बारे में आप लोग क्या जानते हो, ठीक है ना, नाइट्रोजन के बारे में आप लोग क्या जानते हो। मेरे को लग रहा है आपके मन में एक ही ख्याल आता होगा, ठीक है ना। हाँ भाई हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे सबसे पहला ख्याल हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उसमें क्या है, 78% क्या है नाइट्रोजन है, और 21% क्या है ऑक्सीजन है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये वाली चीज़ आती है दिमाग में कि नहीं आती है, बस यही वाली चीज़ आती है ना। तो क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई, नाइट्रोजन गैस है इतनी। देन अगर इतनी चीज बात समझ आ गई, देन एक और चीज़ बताइए, और नाइट्रोजन के बारे में आपको सोच के क्या ख्याल आता है, ठीक है ना। हाँ भाई आपको ये चीज़ याद आती होगी, भाई एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। तो भाई आपको पता है कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है भाई, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आप बोलते हो ना कि भाई उसको क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र, इसको एल भी बोलते हो डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है ना, एल, ठीक है ना, एल चाहिए। तो एल भाई वो एल क्या होता है, फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है और पोटेशियम चाहिए होता है, ये NPK, ये वाले चीज़, चलो ये वाली चीज़ मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र होता है, आप इतना जान लीजिए भाई, उधर नाइट्रेट वगैरह होता होगा, NO3 नाइट्रेट वगैरह होते हैं, जैसे नाइट्रेट वगैरह, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये वाले आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन, जो जब भी प्लांट को ग्रो करना होता है, ठीक है ना, ग्रोथ करनी होती है, तो भाई नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ग्रो करना पड़ेगा, आपको ग्रोथ हो। जैसे है भाई आप खाते हो ना प्रोटीन, खाते हो प्रोटीन, खाते हो कि नहीं खाते हो, आपकी क्या हो रही होती है, ग्रोथ होती है, बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनकी बॉडी बिल्डिंग होती है, ठीक है ना। तो बॉडी बिल्डिंग होती है तो भाई खुद बताइए वो क्या खा रहे हैं, नाइट्रोजन खा रहे हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन। तो भाई ये वाला नाइट्रोजन प्लांट्स को भी चाहिए ना, उनको भी तो अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, इतना हट्टा कट्टा होना है ना, इतना बड़ा हो जाना है। तो भाई ये क्या हो गया, तो ये वाली चीज़ इधर हो गई, ठीक है ना, नाइट्रेट, नाइट्रेट वगैरह जो आप वो फर्टिलाइज़र डालते हो तो उनकी ग्रोथ के लिए वो काम आता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। अभी मेरे को एक चीज़ बताइए, N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, तो भाई इस फॉर्म में ये कन्वर्ट कैसे हो गया भाई, ये छोटी बचपन वाली क्लासों का सवाल है, ठीक है ना, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ठीक है ना, बचपन में पढ़ा था ना एक, आपने कुछ नाइट्रोजन साइकिल नाम का कोई चीज़ पढ़ी थी, नाइट्रोजन साइकिल, आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है ना, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, रिप्लाई करिए यस नो, ठीक है ना, नीचे लिखिए यस और नो, ठीक है ना, पढ़ा है कि नहीं है, पढ़ा है। तो उन्होंने बोला था कि आप नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसको क्या करते हो, आप फिक्स करते हो, किस में फॉर्म में, नाइट्रेट वगैरह की फॉर्म में, ठीक है ना, नाइट्रेट वगैरह की फॉर्म में क्या करते हो, फिक्स करते हो। ऐसे भाई जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना उसको आप नहीं ले सकते, उसको लेके आप ऐसे बोलोगे जैसे हाँ भाई एक चीज़ है कि ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है ना, वो आप ले सकते हो, बट कभी किसी ने सुना है कि ये वाली चीज़ कि हाँ भाई मैं सांस ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और मेरे को नाइट्रोजन चाहिए, भाई मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी बनानी है, तो ऐसा कभी सुना है भाई, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, ठीक है, नाइट्रोजन आप एटमॉस्फेयर से कभी फिक्स कर ही नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या लॉजिक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको नाइट्रोजन साइकिल के ज़रिए नाइट्रोजन को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना।
फिक्स करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बेटा कभी ऐसे मत ले लेना कि हाँ भाई इधर से एटमॉस्फेयर में 78% है तो मेरे को भाई सांस लेनी है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, नाइट्रोजन वगैरह चाहिए, तो क्या करना है प्लांट्स को, प्लांट्स भी ले लेंगे और मैं भी क्या करूँगा सांस वगैरह लूँगा, तो भाई मेरी भी क्या हो जाएगी बॉडी बिल्ड हो जाएगी। तो बेटा आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे कभी बहम में मत पड़ जाना, ठीक है ना। तो आपने नाइट्रोजन ये वाला साइकिल होता है, ये होता है ठीक है ना, तो आप नाइट्रेट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है ना। तो आप फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर सकते हो और आप अपने प्लांट्स को ग्रोथ करवा सकते हो। और मैंने बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, हरित क्रांति के बारे में जो कि आई थी, और आप इंडिया फूड के मामले में इंडिपेंडेंट हो गया था, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी फूड के मामले में। उसके बाद इंडिया ने क्या करा, इंडिया को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी 1900, देखिए यार मैं सॉरी टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाहता, देखिए आगे बहुत सारा टाइम हो चुका है, 25 मिनट हो चुके हैं और अभी हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बस यार यही लिमिटेशन है, ठीक है ना, हम कहीं कहाँ से कहीं और पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। तो बस मुद्दे की बात पे आते हैं भाई, जैसे नाइट्रोजन गैस के बारे में पता लगा, NO3 नाइट्रेट के बारे में पता लगा, देन आप लोगों ने एक और चीज़ हो गई, देन अभी देखिए ये तो है नेचुरल प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल, बट अगर आपको आर्टिफिशियली अगर देखिए, अभी ऐसा थोड़ी ना कि उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि हाँ भाई उनके ऊपर डिपेंड करेंगे, नेचर के ऊपर, तो नेचर तो अपने हिसाब से चलेगी, कभी स्लो पेस से चल रहे होते कभी फास्ट पेस से चल रहे होते, तो इतने ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर आपको फर्टिलाइज़र बनाने हो तो वो क्या करते हो आप भाई, सबसे पहले अमोनिया बनाते हो, अमोनिया NH3 आई थिंक नाम सुना होगा, अभी भाई कितनी शेप्स वगैरह की इसकी, पिरामिडल शेप, इसको कैसे भूल सकते हो भाई, ये तो आपका दोस्त है, दोस्त है कि नहीं है आंसर करिए भाई चैट बॉक्स में, दोस्त है कि नहीं है आपका, ये पिरामिडल हज़ार बार कर ली भाई, SP3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल शेप भाई, ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल की है ना हज़ार बार, तो भाई ये आपको आपका दोस्त बन चुका है ये NH3, ठीक है ना। तो भाई इसके बारे में भी पढ़ना है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है N2 नाइट्रोजन गैस होती है, और आपको हाइड्रोजन गैस इधर से नेचर से मिल जाती है और NH3 बन जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है ना, हेबर्स प्रोसेस बोल देते हो, ये इसके 2 इसके आगे लग गया और 3 इसके आगे लग गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं आप हेबर्स प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इधर से सवाल पेपर में आता ही है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर का सवाल इधर से आता है, हेबर्स प्रोसेस से। इसके लिए आपको मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको क्या देखो मैंने बता दिया नेचुरल प्रोसेस से, क्या नाइट्रोजन साइकिल जब चलता है तो आप क्या नाइट्रेट ऐसे ही बना देते हो, ठीक है ना, NO3 की फॉर्म में, बट भाई अभी ज़रूरी थोड़ी ना हम नेचर के ऊपर डिपेंड करें, तो हमें अगर ऐसे चाहिए होगा नाइट्रोजन आर्टिफिशियली हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो भाई आप इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उधर ये प्रोसेस होता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उधर से अमोनिया बन जाता है भाई, ये इंडस्ट्रीज़ में काम होते हैं, ठीक है ना। मैंने भी नहीं देखा उन इंडस्ट्रीज़ को, बट ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और आपका अमोनिया बन जाता है, और भाई ये आगे से इसका इससे नाइट्रेट बनाना हो तो आसानी से भाई क्या इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो, तो भाई इधर से वो सारी चीज़ें कार्रवाई है, नाइट्रेट वगैरह कुछ बन सकता है, वो आगे मैं पूरी रिएक्शन सब जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। तो उधर से आप क्या फर्टिलाइजर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ है। तो बस भाई इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, किसके बारे में, N2 के बारे में, HNO3 ये क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, तो देखिए इधर क्या है, एच पॉजिटिव और NO3 नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये वाला सवाल एक NH3 अमोनिया, ये वाला सवाल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी है, ठीक है ना। इन सब के बारे में इनका क्या क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस, ओके, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस, किसकी, नाइट्रोजन की, नाइट्रिक एसिड की और अमोनिया की, तो ये वाली चीज़ हो गई। और आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी, देखिए भाई जब आपको पता है पॉल्यूशन, जब आपके फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, हाँ भाई जैसे आप किसी जलाओगे, जैसे कोई, अभी देखिए आप में क्या है, नाइट्रोजन है और प्लांट्स में भी क्या है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन होगा अगर उधर उनके पास नाइट्रोजन होगा, अगर आप उसको जलाओगे एटमॉस्फेयर से क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, तो आपको नहीं लगता कि उधर उधर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कि क्या पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट है ना, आपका एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो जब आप एयर पोल्यूशन की बात आते हैं तो उधर क्या बोलते हो आप,
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये वाले फिर बाद में क्या कहा जाता है, अभी आपका लास्ट चैप्टर था जो आपने उधर पढ़ा था 11th क्लास में, एसिड रेन बनी थी क्या, उधर से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थे तो वो एटमॉस्फेयर में गए, पानी के साथ रिएक्ट करे, तो उधर से क्या नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और वो क्या हुए नीचे आके गिर गए। तो भाई एसिड रेन बनी थी ना, तो भाई इनके ऑक्साइड्स के बारे में भी पढ़ना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है ना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं 5, एक तो आपने पढ़ा होगा N2O, नाइट्रस एसिड, इसको कौन नहीं जानता भाई, आप इसको सूंघ के हंसने लग पड़ते हो, फिल्म भी देखी होगी आपने, ठीक है ना, कितना हंसते हो हा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, इसके और भी होते हैं NO2, NO, N2O5, उन सब के बारे में भाई डिटेल में पढ़ना है। देखो मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सनिक, एंटीमनी और बिस्मत, तो मैंने क्या बता दिया इसके बारे में। जैसे सबसे पहले तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने वो कर ली हुई है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन कर ली, और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है ना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे करनी है भाई, जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो भाई क्या करेगा ये N2 नाइट्रोजन हो सकता है, ये गैस है ना, ये फिजिकल देखिए इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये इन सब के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अभी N2 नाइट्रिक एसिड, NH3 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन सब के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, और इनमें से एक ना एक सवाल आपका 5 नंबर का आएगा ही भाई, ठीक है ना। N2 नाइट्रिक एसिड, अमोनिया और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनमें से सवाल तो आना ही है 5 नंबर का, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ समझ आ गई ना भाई, क्या क्या चीज़ें ऐसे पहले बता रहा हूँ कि हाँ भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताई और ऐसे ये वाली चीज़ भी बताई जो जो आपको चीज़ें पता थी। देखिए आपके चीज़ें आपके आगे पीछे ही होती हैं, बट आप लोगों को थोड़ा अपने उस एक दिव्य दृष्टि होती है एक इंसान की, ये मैं जब भी मैं आप पढ़ाता हूँ तो ये मैं पक्का चीज़ बोलता हूँ, ये एक इंसान की दिव्य दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि आपको खोलनी है भाई, ये वाली आंखें नहीं है, ये वाली 2 आंखें हैं ना, इनमें से नहीं देखना है आपको, एक अलग सी दृष्टि से देखना है हर एक चीज़ को, ठीक है ना। अलग सी दृष्टि होती है, वो होती है दिव्य दृष्टि, तो आपको वो पैदा करनी है, जब भी आप पढ़ाई करो तो वो दिव्य दृष्टि आप लोगों को पैदा करनी है, ठीक है ना। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो इसको देख के आपको एक दिव्य दृष्टि पैदा करिए, ठीक है ना। तो अभी उस अंग से देखिए, फॉस्फोरस भाई ये भी फर्टिलाइजर्स वगैरह के काम आता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह इधर से बनते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा भाई, इसका फॉस्फेट पढ़ा होगा PO4-3, जैसे नाइट्रेट होता है ना NO3-3, तो फॉस्फेट भी होता है जैसे PO4-3, तो भाई ये फॉस्फेट होता है, ठीक है ना, H3PO4, ऐसे ये वाले फॉस्फेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें फर्टिलाइजर्स वगैरह के काम आते हैं ये, और इससे आप क्या पढ़ोगे, इसके आप पढ़ोगे फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, नाम से ही पता चल रहा है भाई, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सीजन जुड़ा होगा और एसिड मींस, जो एसिड का मतलब क्या है वो कल वाली डेफिनेशन नहीं बताना कि जो भाई खट्टा होता है वो चीज़, भाई बड़े हो चुके हैं आप, ठीक है ना, इसका भी भूल जाओ उस डेफिनेशन को, आपने क्या बोलो एच पॉजिटिव जो चीज़ लूज़ करती है वो एसिड हो गया, जैसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस क्या हो सकते हैं, जैसे भाई हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और फॉस्फोरस भी होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे एसिड्स आपने पढ़ना है जैसे H3PO4, ठीक है ना, ये वाली चीज़ फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़नी है, 5-6 एसिड्स होंगे उनके बारे में पढ़ना है, और ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो एक होती है फॉस्फिन गैस, उसके बारे में आपने पढ़ना है PH3, भाई ये बहुत ही खतरनाक गैस है, पॉइजनस गैस है, मर जाते हो आप इसको, ठीक है ना। इधर से क्या, ये होम सिग्नल होता है, होम सिग्नल, ये क्या होता है, एक शिप्स में बनता है, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ना है। जैसे भाई समंदर में क्या होता है, जब आप लोग समंदर में चलते हो ना तो उधर क्या सीन होता है कि उधर देखिए एक शिप आ रही है, एक ये शिप है और एक दूसरी शिप है, ये दूर है, तो इसको कैसे पता लगेगा भाई, टक्कर नहीं हो जाए इन दोनों की, ये इधर से आ रहा है ये इधर से आ रहा है, इन दोनों की टक्कर ना हो जाए, तो क्या होता है, एक होम सिग्नल, एक कोई इशारा जैसे करते हैं एक शिप दूसरी शिप के लिए, तो वो इशारा क्या होता है, होम सिग्नल, वो कैसे होता है, वो ड्यू टू द फॉस्फिन गैस, ये वाली फॉस्फिन गैस क्या होती है, बर्न करने लग पड़ती है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँ, चलो छोड़ो इसको बाद में ही करेंगे, ठीक है ना, फॉस्फिन सिग्नल देता है, ठीक है ना, बाद में एक्सप्लेन करेंगे, चलो एक्सप्लेन कर ही देते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि एक कंटेनर होगा कोई, उसमें क्या होंगे, सुराख होंगे,
उसमें क्या होगा, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, ठीक है ना। इसमें सुराख होता है, इस कंटेनर में क्या डाला होता है आपने, यही कंपाउंड डाला होता है, ठीक है ना, यही कंपाउंड डाला होता है। तो आपको क्या करते हैं, शिप में रखा होता है ना, तो आप क्या करोगे, इसको पानी में फेंक दोगे, इस कंटेनर में रखे ये चीज़, ये कंपाउंड पड़ा हुआ है, और इसको क्या करोगे, पानी में फेंक दोगे। पानी में जब आप लोग फेंक दोगे देन क्या होगा, देन देखिए होगा क्या कि पानी इसके अंदर आने लग पड़ेगा ना, पानी जब इसके अंदर आने लग पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कंपाउंड होगा ना Ca3 और पानी H2O, इसके साथ रिएक्ट करेगा और इधर से क्या होती है, एक फॉस्फिन गैस निकल जाती है। देखिए इधर P है ना और इधर H है, PH3 इधर से निकल जाएगी भाई, फॉस्फिन गैस निकल गई ना, तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, जब ये गैस निकल गई ये उड़ने लग पड़ेगी ना, उड़ने लग पड़ेगी, जब ये PH3 उड़ने लग पड़ेगी इधर से, जब गैस निकल, गैस का मकसद ही क्या होता है, उड़ने लग पड़ती है, जैसे आपका सिलेंडर है गैस निकल जाती है तो वो क्या उड़ने लग पड़ती है ना, आगे पीछे फैलने लग पड़ती है, तो वैसी चीज़। तो उस एटमोसफेयर में उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और जब भी आपको पता है ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ मिल जाए, किसी कंपाउंड के साथ, तो वो क्या होता है, बर्न करने लग पड़ता है। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, बर्न करने लग पड़ती है और धुआं धुआं हो जाता है हर एक जगह पे, क्या हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, ठीक है ना, धुआं धुआं हो जाता है जब, तो उधर से क्या हो जाता है, एक शिप का सिग्नल दूसरी शिप की तरफ पहुंच जाता है कि हाँ भाई इधर कोई, इधर से फला फलानी शिप आ रही है, फला फला शिप आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको पता लग जाती है कि हाँ भाई इधर से एक शिप आ रही है और उधर से हमें पता लग गया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो इनके बारे में भी पढ़ना है आपने, फॉस्फिन गैस के बारे में भी पढ़ना है पूरे डिटेल में, ठीक है ना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो भाई यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्सनिक एंटीमनी और बिस्मत, इनके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे पीछे मैक्सिमम चीज़ें जो दिख रही होती है ना, तो इनसे ही रिलेटेड है। जैसे ये फर्टिलाइजर्स, दोनों फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आते हैं, मैंने सारी चीज़ें बता दी जो जो चीज़ें आप लोगों ने इधर पढ़नी है, ठीक है ना, ग्रुप 15 में। ये वाली चीज़ क्लियर होगी ना, देन ग्रुप 16 में क्या है, इधर है ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलोनियम है, टेलूरियम है, पोलोनियम है। भाई ये हम अभी ना, आप ये मत समझना कि हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं भाई, एक चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है। तो भाई देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो आपको क्या याद आ रहा है भाई, ऑक्सीजन को देख, ऑक्सीजन को सुन के क्या याद आता है, ऑक्सीजन को सुन के यही जाता था ना कि ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये वाली याद आती है। नेचर में कितनी प्रतिशत है, 21% है, ठीक है ना, 21% ये नेचर में है, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक चीज़, अगर आपको ये चीज़ याद आती है तो मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कभी सोचा, ये मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने ग्रुप स्टार्ट करा था कि भाई अभी ये कोरोना चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो भाई नाम सुना होगा लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, नाम सुना है कि नहीं सुना है, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, भाई चैट बॉक्स पे बोलिए कि नाम सुना है कि नहीं सुना है, रिप्लाई करिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, अभी लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की कहानी आ रही है, ठीक है ना। अभी देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप बताइए ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये आपको कहाँ से मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी भाई, कहाँ से मिलती है आपको ये ऑक्सीजन, भाई चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए कि ऑक्सीजन आप क्या सोचते हो कि कहाँ से मिलती होगी, ये एटमॉस्फेयर से मिलती है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो उधर से एटमॉस्फेयर से मिलेगा क्या भाई, एटमॉस्फेयर से मिलेगा वो, बताइए चैट बॉक्स पे रिप्लाई करिए, ये क्या ऑक्सीजन जो आपको लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर में, जो हॉस्पिटल में सिलेंडर्स होते हैं जिनकी शॉर्टेज अभी हमारी कंट्री में बन गई थी, तो बताइए मेरे को कि ये उधर से मिलेगा, कहाँ से मिलेगी ये, ये एटमॉस्फेयर से मिलती है, हाँ भाई सही बात है, जिसने यस बोला तो वो बिल्कुल सही है, ये जो है ये एटमॉस्फेयर से ही मिलती है, बिकॉज भाई एटमॉस्फेयर में ये क्या है, कितना है एटमॉस्फेयर में, कितनी प्रतिशत है ये, 21%, तो आपको ये उधर से ही क्या करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। तो आप क्या होता है, ऑक्सीजन प्लांट होता है, ऑक्सीजन प्लांट होता है, उधर क्या करते हो आप, क्या करते हो, समझो ये प्लांट है, ये एटमॉस्फेयर इधर से क्या कर लिया, इसने क्या कर लिया, ये सारी की सारी गैस इधर ले ली, जो ये एटमॉस्फेयर में आपको गैस दिख रही हो, इधर सारी सारी की सारी ले ली, और क्या होता है फिर उसके बाद क्या करता है, उसको आप क्या करते हो,
एक पूरा प्रोसेस होता है, कंप्रेसर में डाल देते हो, कंप्रेस में उधर क्या रहता है, गैस को वो चीज़ कंप्रेस कर देती है, कंप्रेस कर देती है मतलब उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, पहले देख गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना, अभी ये लिक्विड बन गए तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, कंप्रेस कर रहा होगा ना उधर, इस प्लांट में क्या होता है कंप्रेसर होता है, तो गैस को क्या कंप्रेस हो रही होगी, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लग पड़ेंगे, तो इसका क्या मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, थोड़ा मतलब एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर जब उनका वो कौन सा पॉइंट आ जाता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट, इधर आगे की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर लो कर देते हो आप, टेम्परेचर लो कर देते हो, ठीक है ना। उधर होते हैं बड़े बड़े ख़तरनाक इंस्ट्रूमेंट जहाँ से टेम्परेचर ठीक ठाक लो कर देते हैं, ठीक है ना, लो टेम्परेचर भाई, ये कोई टेम्परेचर पता कितना होता है, माइनस कोई समझ लीजिए कोई 70-80 केल्विन, 70-80 केल्विन मतलब कितना हो गया 273 केल्विन, कितना होता है 0 डिग्री, 273 केल्विन कितना होता है 0 डिग्री, तो भाई खुद देखिए 70-80 केल्विन कितना माइनस में चले गया भाई, कितना 180-90, 180-90 के करीब टेम्परेचर चला गया, ठीक है ना। इतना लो टेम्परेचर भी आपको जाना पड़ता है तब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है भाई, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो एटमॉस्फेयर की जैसे से, जैसे ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी ऐसे ही बनता है भाई, ऑक्सीजन भी ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऐसे नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसका बनने का, बड़ी बड़ी आपको बड़े स्केल में बनाना पड़ेगा तो आपको एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो क्या होता है कि आप अभी देखो, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट, जब आप इतना टेम्परेचर लो करते जाओगे, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ये अलग हो जाएगा, और उतना ही उसी पॉइंट पे रख देना, तो ये वाली पूरी की पूरी ले लो नाइट्रोजन गैस, वो सारी सारी आप उस टाइम ले लोगे, और देन उसके बाद क्या कर लोगे, आपका ऑक्सीजन जो बच गया वो आगे की तरफ जाएगा, और उधर और लो टेम्परेचर होगा, तो उधर ये वाली चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, उधर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी आपकी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में लेनी पड़ेगी तो आपको क्या चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो आपने ये 11th क्लास में पढ़ लिया है, कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब आप देते हो तो उधर से क्या आपका ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा, अभी देखिए जो सिलेंडर होते हैं ना उनको, वो क्रायोजेनिक सिलेंडर होते हैं, क्रायोजेनिक सिलेंडर मीन्स आपको जब भी कोई चीज़ आप स्टोर करते हो -150 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर तक, ठीक है ना, इतने टेम्परेचर तक कोई चीज़ आपको स्टोर करनी है तो आपको उसके लिए क्रायोजेनिक, उसको आप चीज़ बोलते हो क्रायोजेनिक, ठीक है ना, क्रायोजेनिक, तो क्रायोजेनिक सिलेंडर होते हैं, उनमें आपको ये ऑक्सीजन डालनी पड़ती है उस टाइम, अगर ऐसे अगर भाई एटमॉस्फेयर में आ जाए उस टाइम, अगर थोड़ी सी अगर ये लिक्विड ऑक्सीजन बाहर की तरफ आ जाए तो भाई वो गैस बन गई, तो फिर क्या, गैस में तो देखो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ठीक ठाक है ना, अभी देखिए इधर इधर का टेम्परेचर कितना है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 30-35 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई वो देखिए कहाँ पे, -180 डिग्री सेल्सियस, -180 है, तो भाई खुद बताइए कितना दूर है, जब इधर थोड़ा बहुत भी अगर बाहर की तरफ गैस निकल गई तो भाई किस फॉर्म में आ जाएगी, वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ जाएगी, तो भाई क्या फ़ायदा, तो आपको क्या क्रायोजेनिक सिलेंडर में आपको स्टोर करके रखनी पड़ती है। तो ये वाली चीज़ होगी ऑक्सीजन की कहानी हो गई, तो आपको पता है ऑक्सीजन की रिएक्शंस भी आप आसानी से कर सकते हो, जैसे कार्बन होगा ऑक्सीजन इसके साथ बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होगा ऑक्सीजन बन गया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो भाई बस ऑक्सीजन के बारे में आपने कहानी ये पता करनी है, और ऑक्सीजन की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़, बस ये वाली चीज़ सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग जानी है। देन एक चीज़ होती है सल्फर, देन ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्या था सल्फर, तो भाई सल्फर है, इधर ये चीज़ देखिए, सल्फर के डाइऑक्साइड आपने पढ़े होंगे ना, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काम आते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काम आते हैं, तो जो चीज़ें आपने बेटा सुनी होती है ना वही चीज़ों को आपने डिटेल में पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं है आपने बस उधर पढ़ा था, तो अभी आपने इनकी क्या करनी है, प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज़ और यूजेज, जैसे सल्फर होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, तो बस इसके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है ना। तो देन ऑक्सो एसिड्स बनने हैं, ऑक्सो एसिड्स किसके बने हैं सल्फर के, ऑक्सो एसिड्स क्या हो गए, जैसे भाई ऑक्सीजन होगा और एच होगा और सल्फर होगा, तो ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे क्या हो गया ऑक्सो एसिड्स कौन सा हो गया, जैसे H2SO4 है ना भाई ऑक्सो एसिड,
देखिए हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, H2SO4, 3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है ना, ऐसे ही ये 5-6 होंगे वो आप लोगों ने पढ़ने हैं। और बेटा आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है क्या, H2SO4, ठीक है ना, जो सॉरी ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो मैंने पीछे बताया था NH3, जिस प्रोसेस से वो बनता है उस प्रोसेस को आप बोलते हो हेबर्स प्रोसेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 5 नंबर का सवाल आता है बड़ी बार, ठीक है ना। और जैसे इस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से आपका ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको बोलते हैं आप कंटैक्ट प्रोसेस। और बेटा ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इसका क्या सीन है, इसका ये सीन है कि भाई जिस कंट्री के पास सल्फ्यूरिक एसिड जितना ज़्यादा होगा ना भाई, वो कंट्री इतनी ही ज़्यादा अमीर होगी, वेल्दी होगी, वो कंट्री इतनी ही ज़्यादा वेल्दी होगी, बिकॉज भाई इसको आपने सुना भी होगा, इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, किंग्स ऑफ एसिड, किंग्स ऑफ एसिड्स, ये नहीं है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये किंग्स ऑफ एसिड इसका नाम इसलिए डाला है बिकॉज इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, आप हर एक जगह पे भाई इसको सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जगह पे अगर आपके ऊपर फेंक दिया जाए ना तो भाई मर जाओगे आप, ठीक है ना, ये इतना एसिड अटैक होता है ना, तो भाई एसिड जो अटैक करते हैं वही वो सल्फ्यूरिक एसिड ही फेंकते हैं किसी को, वजह से आप किसी के साथ जिद होगी तो वो सल्फ्यूरिक एसिड फेंक देंगे इसको, भाई हो गई उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना, ऐसी चीज़ हो जाती है, तो भाई एसिड अटैक ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड आपके ऊपर फेंकते हैं, भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और लैब में ना अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड जिस लैब में नहीं हो तो बेटा वो केमिस्ट्री का लैब नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, बिकॉज भाई सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस ही इतने हैं भाई, हर एक चीज़ में वही डाल दो, हर एक चीज़ में वही डाल दो, इसलिए तभी तभी उसका नाम क्या बोल रहा है, किंग्स ऑफ एसिड। और इसको आपने बनाना सीखना है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने ग्रुप 16 में पढ़नी है। देन क्या भाई ग्रुप 17, और बेटा उनके एलोट्रॉप्स वगैरह भी पढ़ने हैं, जैसे मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप उनके एलोट्रॉप्स वगैरह पढ़ोगे। ग्रुप 17 में क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर बस दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे इधर क्लोरीन, क्लोरीन ही आप देखते हो ना आगे पीछे आपने Cl2 क्लोरीन गैस, जैसे आपने CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर सुना हो, ठीक है ना, तो भाई डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, टैंक में डालते हो ताकि भाई वो डैमेज ना हो जाए, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का यूज़ है पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, किसके लिए काम आता है भाई, ब्लीचिंग करने के काम आता है, ब्लीचिंग का क्या क्या चीज़ होती है भाई, ब्लीचिंग वही होता है ना कोई चीज़ सफ़ेद, जैसे लड़कियाँ करती हैं कि भाई ब्लीच करनी है तो मतलब सफ़ेद होना है उनको, ठीक है ना, वाइट होना है, ज़्यादा गोरा दिखना है आपने, जैसे आपने वो पता है कि कोई पहचान ही नहीं पाता, ठीक है ना, इतना बंदा गोरा हो जाता है तो आप कोई पहचान ही नहीं पाता कि इतना गोरा है, तो वो क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, ठीक है ना, आई थिंक ये ब्लीचिंग ही करते हैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, आई थिंक ब्लीचिंग ही करते होंगे तभी इतना गोरा हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ वैसे पेपर इंडस्ट्री में जब आपका पेपर पल्प होता है उसको क्या करते हो, आपको वाइट करना हो, ठीक है ना, तब आप लोग क्या यूज़ करते हो, क्लोरीन वगैरह यूज़ करते हो, तो ये वाली चीज़ है। देन एक होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई इसके बारे में भी पढ़ना है आपने, भाई ये भी बहुत ही ठीक ठाक एसिड है ये HCl, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इधर से क्या बनता है, क्लोरीन, सल्फ्यूरिक HCl से क्या बनता है, क्लोरीन बनती है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है, इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा पूरे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे आप बोलोगे ये कहाँ पे है, ठीक है ना, आपको डेली लाइफ में कहाँ पे है, भाई जो आपने बैटरी देखी है ना इन्वर्टर की बैटरी देखी है ना अभी देखिए जो बंदे इन्वर्टर का काम करता है उसको पूछना भाई, वो कभी ऐसे कहीं आगे पीछे रखा होगा तो वो इतना डरते क्यों हैं भाई, बिकॉज उसके अंदर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको अभी तोड़ के मत देखना भाई, कहीं मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, आगे पीछे लग जाए, ठीक है ना, कहीं डैमेज हो जाए तो उसको मत देखना, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में पड़ता है, इन्वर्टर की बैटरीज में पड़ता है, तो वो क्या हो गया, बड़ा ख़तरनाक एसिड है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। वो बेटा बैटरीज वगैरह में यूज़ होता है, पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है ना, तो ये वाले इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, बैटरीज पेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है ना, और भी बेटा और भी इसकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है ना, डिटर्जेंट जैसे आप बनाते हो, जैसे आपने डिटर्जेंट सुना होगा सल्फोनिक एसिड सुना होगा, तो भाई उधर वही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ होता है, ठीक है ना, डिटर्जेंट देखिए भाई, देखो आपको लग नहीं रहा कि भाई कंट्री की प्रोग्रेस इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, भाई देखिए जो आपकी डिटर्जेंट इंडस्ट्री, आप कपड़े नहीं धो पाओगे भाई, इतने मैले मैले कपड़े लगाओगे तो बंदा कोई देखेगा भाई कितनी बैकवर्ड कंट्री है, ठीक है ना,
अच्छे अच्छे कपड़े दाग लगे होंगे आपके कपड़ों को, डिटर्जेंट आपने नहीं बना पाए भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है वो, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूरी होता है उधर। अभी देखिए बैटरीज नहीं होंगी आपके कंट्री में, देखिए लाइट चली गई, इन्वर्टर वगैरह नहीं होंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, बैटरीज होंगी नहीं तो भाई आपको लगेगा ना बैकवर्ड कंट्री है। देखिए जिसके घर में लाइट नहीं है, पता तो नहीं कौन है भाई, ऐसे आगे पीछे बेवकूफ़ बंदा है, लाइट भी नहीं है, क्या क्या बंदा है, बेकार बंदा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। तो भाई बस यही ग्रुप 17 की इतनी इतनी पढ़ना, बाकी थोड़ी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो जब पढ़ेंगे तो वो वाली चीज़ पता लग जानी है, ठीक है ना। ग्रुप 18 उधर क्या है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, भाई इनकी क्या कहानी है। भाई हीलियम जो है ना, हीलियम के बैलून्स होते हैं, किसके काम आते हैं, वेदर को प्रिडिक्ट करने के काम आते हैं कि हाँ भाई रेन होनी है नहीं होनी है, ये वाला ऐसा क्यों क्यों काम आता है, बिकॉज हीलियम क्या होती है, एक गैस होती है जो कि फ्लेमेबल नहीं है, उसको आग नहीं लगती है, फ्लेमेबल नहीं है। और क्या दूसरी दो नंबर चीज़ क्या है, वो क्या है, लाइटर देन एयर है। तो क्या अगर आप उसको एयर में रखोगे, उसमें कोई ऐसे बैलून जैसा होगा, उसमें आपने हीलियम गैस डाल दी तो वो क्या उड़ने लग पड़ेगा, उड़ने लग पड़ेगा तो वही ऊपर एटमॉस्फेयर से ऊपर चला जाएगा, तो एटमॉस्फेयर के में रहेगा तो उधर क्या आपको क्लाउड्स वगैरह को देख लेगा कि हाँ भाई अभी बारिश बरने वाली है कि नहीं बरने वाली, आने वाली है नहीं आने वाली है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को उधर से वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको काम आता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो देन आप लोगों के हीलियम के बल्ब्स भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे हीलियम नियॉन के भी बल्ब्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे हीलियम नियॉन, आर्गोन, आर्गोन भाई इनर्ट एटमो, जब आप लोग वेल्डिंग करते हो ना वेल्डिंग, तो भाई एक इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, देखिए ये इनर्ट गैसेस है ना, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, तो आर्गोन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के काम आता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर मींस कि जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीजन होगा तो भाई कोई चीज़ होगी इधर से, कोई चीज़ इधर से निकल रही होगी तो वो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना देगी, तो ऐसी चीज़ होती है ना। तो आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करना है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओनली क्या होगा, आर्गोन होगा। आर्गोन क्या होगा, उधर वेल्डिंग में उधर काम आता है, देखो कितना ज़्यादा उधर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा आपको पैदा करना पड़ता है, तभी तो लोहे को पिघला देता है उधर, ठीक है ना। जब आप लोग उधर जाते हो भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ आग उग लग सकती है, ठीक है ना, बड़ी ज़्यादा आग लग सकती है। उधर आप क्या लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करवाते हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करवाते हो ताकि क्या हो जाए, उधर आग वगैरह नहीं लगे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। वो किससे करवाते हो आप, वो करवाते हो आप आर्गोन वगैरह से, ठीक है ना, आर्गोन का इनर्ट एटमॉस्फेयर तैयार करवाते हो। तो ये वाली चीज़ है। तो भाई अभी देखिए देखिए ग्रुप 15 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप 15 हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन क्या हो गया, नाइट्रोजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ना है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, एलोट्रॉप्स जैसे फॉस्फीन गैस के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। ये सारी की सारी मैंने चीज़ आप लोगों को ब्रीफ में बता दी, ठीक है ना। देन इधर देखिए ग्रुप 16 में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये आसानी से आप लोगों ने करनी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों ने कर लेनी है। देन क्या हो गया, देखिए इधर क्या है, ये वाली चीज़, सॉरी मैं बताना भूल गया, ओजोन भी, ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। इधर क्या थी, एक तो ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, ओजोन, ओजोन के बारे में भी पढ़ना है। ओजोन आपको पता है क्या, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना, ओजोन होल, ये वाली सारी कहानी आपको पता है पूरी, कितना इसके ऊपर साइंस है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बनी हुई है इसके ऊपर, ठीक है ना। देन सल्फर के बारे में पढ़ना है, सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, उसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन और वो वाली चीज़। देन क्या, देन आप लोगों ने क्या, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, तो ये वाली चीज़ मैंने बता दी आपको। देन मैंने बोला हैलोजन्स के कंपाउंड, जैसे इधर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके बारे में पढ़ना है। और सॉरी ये वाली चीज़ ये मैं बताना भूल गया, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, बेटा ये इंटर हैलोजन जो कंपाउंड्स हैं, ये वाली इंटर हैलोजन जो कंपाउंड्स हैं, ये सॉल्वेंट का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट का काम करता है ना, पानी में आप चीज़ें पिघला सकते हो, जैसे इंटर हैलोजन जो कंपाउंड्स हैं ये भी एक सॉल्वेंट का काम करते हैं, इनमें आप चीज़ें पिघला सकते हो, ठीक है ना। जैसे फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स के नाम बता दिए, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनोन, क्रिप्टॉन और जिनोन, ये वाले मैंने नाम बता दिए आपको, तो ये इसके काम आते हैं, ठीक है ना, किस किस के काम आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना।
देन अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये सिलेबस है, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है, ठीक है ना, पहले पेज पे नोट कर लेना है, ठीक है ना। मैंने बोला था आपको दो तीन पेज छोड़ देना, तो उधर पहले लिख देना इनऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और उसके बाद ये वाली चीज़ नोट कर लेना, ये सिलेबस पूरा का पूरा नोट कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सारी की सारी कर ली है, ग्रुप 15 की कर ली, ग्रुप 16 की कर ली, 17 की कर ली और 18 की कर ली। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए आप लोगों को है क्या, सॉरी सवाल क्या पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है ना। देन आप लोगों ने अमोनिया के बारे में, देन अमोनिया, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चंस लिख लिए प्रीवियस ईयर में, इसमें प्रेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे ग्रुप्स के 15, 16, 17, 18 सारे के सारे। अमोनिया की, अमोनिया का क्या प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस, ये वाली चीज़ ये प्रीवियस ईयर है, जो बंदा ये क्वेश्चन करके भी गया ना वो पास हो सकता है, ठीक है ना। बट गारंटी नहीं देता मैं, क्या पता कोई और सवाल पूछ ले, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस मैंने बताया था, अमोनिया वाला प्रोसेस उसको आप बोलते हो हेबर प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक एसिड वाले को बोलते हो कि उसको कंटैक्ट प्रोसेस। ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है ना। देन इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, इसके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। देन उसके बारे में पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारे ग्रुप्स की, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है ना। देन आप लोग ये वाला पूछ सकते हो कि जीनोन के कंपाउंड्स ऑफ जीनोन जो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन उनके बारे में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाले सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं ये, ठीक है ना। तो इन इन सवालों को अच्छे से कर लीजिए। और एक वो वाला सवाल भी पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 18 सभी की करनी होती है, ठीक है ना, सभी की करनी है आपने, ग्रुप 15, 16, 17, 18 वो सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बस और कोई डिस्कस करने को बेटा इस चैप्टर को अच्छे इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपने फर्स्ट पेज में, ठीक है ना, जो 12वीं क्लास की नोटबुक है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है ना। तो आई थिंक हमारे टारगेट सारे कंप्लीट हो गए, प्रीवियस ईयर भी मैंने बता दिया आपको क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और जो बंदा वो करके गया तो वो बंदा कामयाब है, ठीक है ना। होप ये आप लोगों को चीज़ें पता लग गई। थैंक यू, ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, ओके।